मोटो S20 फ्यूजन 21,000 रुपए का स्मार्टफोन है, बट इसके सेल्फी कैमरा से ऐसा नहीं दिखता। लाइक अगर आपने हमारा कैमरा रिव्यू देखा है, सेल्फीज काफी सॉफ्ट आता है, रियर कैमरा फिर भी ठीक है न्यूट्रल कलर सेंस के साथ, बट सेल्फी नेटेड ह्यूज है। इतने सारे कमेंट आए थे कि भाई जी कैम डाउनलोड करो, बताओ कि क्या डिफरेंस क्रिएट करता है। मैंने लगभग 10 से लेकर 15 जी कैम मॉड डाउनलोड किया था, एंड ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंसेस मेरे को देखने को मिला। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले तो यार मैं सैंपल दिखाऊंगा स्टॉक कैम वर्सेस जी कैम का, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में, ताकि आपको आइडिया लग जाए। सेकंडली कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या सेटिंग्स चेंज करना है, ताकि ऐप क्रैशेस ना हो एंड अच्छे तरीके से फोटो ले पाओ। वैसे इतने सारे फोटोज मैंने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में लिया, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। क्या मतलब फोन स्टॉक में नहीं है और टेम्पर ग्लास मेरे पास कैसे आया? थैंक्स टू दिस वीडियो स्पॉन्सर Glazed Ink। Glazed Ink एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो एक्चुअल 2.5D कर्व टेम्पर ग्लास बनाता है। इस लाइन को अपने 100 बार सुन लिया होगा चैनल पे, बिकॉज आई मीन इट। लाइक इन्हीं के प्रोडक्ट में अपने सारे पर्सनल डिवाइस पे यूज करता हूँ। इनमें से 3-4 तो प्रमोशनल मटेरियल हो गया, बट बाकी सब अपने पर्सनल मनी से बाय किया बच्चे देखो, बिकॉज आई ट्रस्ट द क्वालिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट करना, आपको एक पैकेज मिलेगा जिसमें जो भी चीज चाहिए इंस्टॉल करने के लिए सब मिल जाएगा। क्लीन सिंपल इंस्टॉलेशन है, किसी भी तरीके का बबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 से लेकर 4 मिनट के अंदर एक ब्रांड न्यू टेम्पर ग्लास फिट करोगे, प्रोटेक्शन भी मिलेगा, एंड एज टू एज है तो भाई हैंड्स पे भी काफी स्मूथ लगेगा। मोटो S20 फ्यूजन में इतना बढ़िया डिस्प्ले यार, टू प्रोटेक्ट इट यूज टेम्पर ग्लास फ्रॉम Glazed Ink। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड JT, ऑल कैपिटल JT जरूर यूज करना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए। थैंक्स टू Glazed Ink फॉर स्पॉन्सरिंग दिस सेगमेंट। ओके, सो राइट साइड में स्टॉक कैमरा है, लेफ्ट साइड में आपको जे कैम मिल जाता है। ये एक नाइट मोड फोटो है, बहुत ही ज्यादा डिम लाइटनिंग था, 3 सेकंड के लिए मैंने स्टेबल पकड़ रखा था, बट स्टॉक कैमरा हैज ओवर एक्सपोज्ड इट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इमेज, बट जी कैम स्ट्रेट अवे, जूम करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द क्लियर विनर। वेल एक्सपोज्ड फोटो है, डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप डिफरेंस क्लियरली नोटिस करोगे, पहली बात जी कैम में एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा जिसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, स्टॉक कैमरा ने वैक्सिंग कर दिया यार हाथों पे, हेड्स पे, बालों पे, विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। सेकेंडली यहाँ पे नॉइज देखना कितना ज़्यादा है, यहाँ पे आप क्लियरली टाइम भी देख सकते हैं, ओवरऑल स्किन टोन्स वगैरह सब कुछ जी कैम में काफ़ी बेटर मिलता है। इस फोटो को मैंने स्टूडियो में लिया था रात के 12 बजे, टाइम देख सकते हैं, लो लाइटनिंग सैम्पल पे जी कैम इज शोइंग इट्स पावर यार, प्रोसेसिंग पावर। डिटेल्स देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस है, ओवरऑल एक क्लीन इमेज मिलता है जी कैम में। इस इमेज में ना जूम करने के बाद देखना, काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेटेड इमेज है, काफ़ी ज़्यादा नॉइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस इमेज पे क्लियर डिफरेंस। साथ ही साथ क्लोजअप ऑब्जेक्ट में स्टॉक कैमरा फोकस करने पे हल्का सा स्ट्रगल करता है, बट इस इमेज पे देखना क्लोजअप ऑब्जेक्ट पे भी डिटेल्स लॉट बेटर। चलो अब बाहर चलते हैं, यहाँ पे नोटिस करना है कि डायनेमिक रेंज स्टॉक कैमरा में बेटर है, जी कैम में उतना बढ़िया नहीं है। बट एक चीज़ जो सबसे बेकार लगता है वो है ओवर शार्पनिंग। लाइक मैं हल्का सा जूम करता हूँ, तुम देखना कितना ज़्यादा ओवर शार्पन कर दे रहा है स्टॉक कैमरा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स है ही नहीं। अगेन आप नोटिस करोगे कि डायनेमिक रेंज बेटर है स्टॉक कैमरा में, जी कैम में हल्का सा मार खा गया, बट ओवर शार्पन्ड इमेज है यहाँ पे, देखना कितना बेकार लग रहा है यार जूम करने के बाद, यहाँ पे देखना नेचुरल और बढ़िया लग रहा है। वापस चलते हैं स्टूडियो के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, यहाँ पे नोटिस करो, अप्रिशिएट करने वाली बात है। स्टॉक कैमरा में डिटेल्स है ही नहीं, काफ़ी हेजी इमेज है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा बेटर इमेज। वैसे यार एयरपॉड्स लगा के मैं फ़ोन से क्या बात कर रहा हूँ, एनीवे रात के 2 बजे हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मानना पड़ेगा मोटो का स्टॉक कैमरा भी काफ़ी सिचुएशन में बढ़िया परफॉर्म करता है। लाइक इसका रियर कैमरा सैंपल देखना, मेरे को तो काफ़ी सही लगा, आउट ऑफ कंडीशन बिल्कुल रियलिस्टिक इमेज बढ़िया लगा, डिटेल्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक देखने को मिल जाते हैं। हाँ हल्का सा ओवर शार्पनिंग है, बट जी कैम में ऑलमोस्ट सेम इमेज है, बट हल्का सा ब्राइटर इमेज लग रहा है, थोड़ा सा मोर आई प्लीजिंग, एंड ऑफ कोर्स ओवर शार्पनिंग इसने यहाँ पे नहीं किया, एक्चुअल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलता है। इस सेल्फी सैंपल में मेरे को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने सामने रिजल्ट देख लेना, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी अपडेट आएगा, क्योंकि इतना ड्रास्टिक डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए स्टॉक कैमरा एंड जी कैम में। जी कैम प्रोड्यूसेस वे बेटर इमेज, वे 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 बेटर इमेज आपको यहाँ मिलता है। यहाँ पे जैसे मोटो G40 फ्यूजन में इन्होंने इंप्रूव किया था विद इन अ मंथ 2 दिन अपडेट देख के, सेम केस यहाँ पे भी मेरे को लगता है। इन इमेजेस को देख के मैं 100% श्योर हूँ कि इसका सेंसर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, बट सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का ही मिस्टेक है, जो कि अपडेट से जल्दी ठीक कर देंगे। ये एक रियर कैमरा पोर्ट्रेट इमेज है, और मैंने ना दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का फोटो लिया था, और यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल डिटेल्स नहीं है, बट यहाँ पे वाह इस थ्रेड का डिटेल्स देखना, अमेजिंग यार अमेजिंग। ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहा बनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने सामने रिजल्ट है, लोग देख पा रहे हैं, ग्रेस हो गया, ग्रीन्स हो गया, फेस का स्किन टोन हो गया, एज डिटेक्शन सब कुछ बेटर है। वैसे स्टॉक कैमरा में भी एज डिटेक्शन ठीक है, बट सॉफ्ट हेजी मज़ा नहीं आया, यहाँ पे अमेजिंग। नाइट में भी आप डिफरेंसेस नोटिस करेंगे, मेरे को ना वैसे या ब्लैक कर दो या वाइट कर दो, बीच का ये जो ग्रे है ना स्टॉक कैमरा में देखना, नॉइजी इमेज ग्रे मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो या आप जी कैम से नाइट में भी बेटर फोटोज ले सकते हैं कंपेरेटिवली, देखना ग्रीन्स देखना यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे भी नोटिस करना, ग्रे इमेज, नॉइजी इमेज,
मज़ा नहीं आया इमेज यहाँ पे, गुड अमेजिंग मतलब इस प्राइस रेंज के लिए और इसके कंपैरिजन में सुपर। वैसे मैंने नोटिस किया कि आज हमने डिटेल्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, जैसे स्टॉक कैमरा में एज यूजुअल डायनामिक रेंज मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा, यहाँ पे हल्का सा इसने ओवर एक्सपोज कर दिया, हल्का सा नहीं इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम यहाँ देखना वाटर पेंटिंग बन गया है और यहाँ पे स्टिल वे बेटर। ओके, सैंपल्स कैसा लगा, कौन सा इमेज में सबसे ज़्यादा डिफरेंस था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि सेल्फी कैमरा आपको सही लगा होगा। देखो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी कैम का ओपन करना, एक वेबसाइट खुलेगा, ngcam 7.4 पे क्लिक कर देना, उसके बाद नॉर्मल डाउनलोडिंग प्रोसीजर है। हाँ कभी कभी क्रोम कहेगा कि अनसेफ है, डाउनलोड मत करो, इग्नोर कर दो, टेंशन मत लो, आई गारंटी यू सेफ है, इंस्टॉल कर देना। उसके बाद ना होम ड्रॉयर पे आपको दो कैमरा आइकन दिखेगा, एक तो आपका स्टॉक होगा, एक आपका जी कैम होगा, आइकन याद रख लेना। उसके बाद जी कैम को ओपन करो, ओपन करने के बाद दो तीन सेटिंग्स आपको चेंज करना है, ऊपर से स्क्रॉल डाउन करना, गूगल AWB आपको डिसेबल कर देना है। मैंने देखा है कि अगर इनेबल रहता है तो ऐप क्रैशेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए आप उसे डिसेबल कर देना। उसके बाद मोटो S20 फ्यूजन में ना आपको गैलरी नहीं मिलता, गूगल फोटोज यूज़ करना पड़ता है एंड फ्रस्ट्रेटिंग होता है यार वो कभी कभी, स्पेशली अगर नेट कनेक्टिविटी ना है तो गैलरी गो नाम का एक और एप्लीकेशन है, गूगल का ही एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड क्या आपको डाउनलोड करना चाहिए, ये भी कोई पूछने की चीज़ है यार, सेल्फी कैमरा देखा कैसा है, अगर उसे इम्प्रूव करना है आपको जी कैम यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप पूछोगे कि अपडेट आएगा क्या, एब्सोल्युटली, मोटो G40 फ्यूजन में भी कुछ इश्यूज था बट अपडेट ने ठीक किया था, एंड वो 14,000 रुपीस का स्मार्टफोन है और उसका सेल्फी कैमरा इससे 100 गुना बेटर है, 100 क्या मजाक नहीं कर रहा हूँ, उतना बेटर है। तो यस, इसमें भी अपडेट आएगा, सॉल्व होगा, टेंशन मत लो, बट तब तक आप जी कैम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद भी आप जी कैम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड। एनीवे इस वीडियो के लिए इतना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, शेयर जरूर करना, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।